आपको यूट्यूब चैनल फेना वाइज पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो हमेशा अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधन बैंक के स्टॉक को लेकर, क्योंकि बहुत जन का ईमेल आया है, फिर बहुत जन ने पूछा है बंधन बैंक के स्टॉक को लेकर क्या करना है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए पुराने हैं तो आपको पता रहेगा करीबन हम लोगों ने 3 से 4 बार बंधन बैंक का टारगेट प्राइस दिया है, और स्टॉक का प्राइस जब 290 के आसपास भी चल रहा था तभी भी हम लोगों ने आपको बंधन बैंक का टारगेट प्राइस दिया था, आपको बताया था खरीद लेने के लिए और आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। और स्टॉक जितना भी हम लोगों ने टारगेट प्राइस दिया है उतना भी टारगेट प्राइस कंप्लीट हुआ है। जब 310 या 12 के आसपास था कुछ दिन पहले तभी भी हम लोगों ने आपको बताया था कि 316 या 18 तक आप ले सकते हैं स्टॉक में, जो आपको उतना मुनाफा मिल सकता है। देख सकते हैं आप स्टॉक में जो है उतना जितना भी हम लोगों ने एक टारगेट प्राइस दिया था बंधन बैंक स्टॉक को लेकर उतना हिट हुआ है। बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका आप देखेंगे तो एनपीए वगैरह भी कम है, अच्छा चल रहा है मार्केट पे। और जैसे कि इन लोगों का जो आरबीआई की ओर से रिस्ट्रिक्शंस था ब्रांच बनाने के लेके, क्योंकि जो ओनर है इसका इनके पास प्रमोटर्स के पास ज़्यादा स्टेक था, उसको लेके रिस्ट्रिक्शन लगाया था आरबीआई ने, वो भी कुछ दिन पहले जो है बंधन बैंक ने हटा दिया है। उसके बाद ही बंधन बैंक में तेज़ी आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में जो है, अगर आप देखते 6 महीने का ग्राफ भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है कितना नीचे चला गया था, कितना डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, 198 के आसपास है, अभी 150 के नीचे जो है स्टॉक चल रहा था। तभी भी हम लोगों ने जो है आपको टारगेट प्राइस दिया था जहाँ पे हिट हुआ है हमारा टारगेट प्राइस। तभी अगर आपने हमारा वीडियो देखे स्टॉक बंधन बैंक में इन्वेस्ट किया रहेगा तो आपको अच्छा मुनाफा मिल गया रहेगा। दोस्तों हम लोग का जो भी हम लोग टारगेट प्राइस देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम लोग टेक्निकल है फिर आप भी टेक्निकल एनालाइज करते हैं हमेशा ही करेक्ट हो। इसलिए आपको जो कंपनी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए कि क्या चल रहा है, जो कंपनी का आप स्टॉक ले रहे हैं वो कंपनी में, इसलिए आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी होता है। और जो भी हम लोग एक आपको आइडिया देते हैं या फिर सजेशन देते हैं स्टॉक को लेके, सब आइडिया सजेशन जो है एक हम लोग का ओवरव्यू है। रिक्वेस्ट करेंगे आप खुद से भी एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिए जब भी कोई आप स्टॉक खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। तो यहाँ पे 6 महीना पहले जैसे कि हम लोगों ने प्राइस देखा 274.60 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा था, एक स्टॉक जो है आपको 274.60 में मिल रहा था, और अभी आप प्राइस देख सकते 312। मतलब यहाँ पे जो है आपने अगर 6 महीने अंदर स्टॉक लिया है तो आपको आराम से इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिल गया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है जैसे कि आपको थोड़ा टाइम पहले बताया 150 से नीचे लेके स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड में मूव हुआ है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक में जो एक तेज़ी बनता हुआ दिखा है हम लोग को। यहाँ पे बीच बीच में स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड देखने को ज़रूर मिला है, ऐसे कुछ बैंक्स है जहाँ पे हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, बट बंधन बैंक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के बाद भी जो अच्छा तरह जो है एक मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है और स्टॉक बहुत तेज़ी की ओर मूव हुआ है। आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 394 तक पहुँच गया था, तो 150 से लेकर 394 मतलब करीबन 200 के ऊपर जो है मुनाफा दिया है स्टॉक ने, अगर आपने 6 महीने के अंदर ये स्टॉक खरीदा रहेगा। ज़बरदस्त एक स्टॉक लगता है हम लोगों को, और बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोग को लग रहा है कि इसमें जो है आगे और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अगर लेते हैं स्टॉक में तो आप कितना दिन के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं स्टॉक या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो आपको टारगेट प्राइस में फिलहाल जो है उतना ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। हम लोग आगे आपको बताएंगे कितना तक हम लोग को लग रहा है कि टारगेट प्राइस एक रखे चलना चाहिए। हम लोग का जो ओवरव्यू है यहाँ पे देखेंगे आप, एक दिन पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखते तो ओपन प्राइस 304 रुपये में स्टॉक ओपन हुआ था, एंड हाई प्राइस दिया है 314.50 रुपये का और लो प्राइस दिया है 303 रुपये का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक ओपन होने के बाद 10 रुपया जो है प्राइस इसने हाई दिया है, मतलब 10 रुपये के ऊपर जो स्टॉक गया स्टॉक ओपन होने के बाद 6 महीने का। यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है अप ट्रेंड दिख रहा है, जरूर ये जरूर है बीच बीच में एक जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, वो बहुत सारे स्टॉक में आया है, बट ऐसा रिटर्न या फिर ऐसा मजबूती शायद कमी स्टॉक में आपको देखने को मिला रहेगा। 1 मंथ का भी बात करते हैं आप देख सकते हैं 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस कितना था, तो 1 मंथ पहले अगर बात करते स्टॉक का प्राइस 288.20 के आसपास चल रहा था, उसके बाद आप देखिए स्टॉक में क्या मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है। तो ये स्टॉक एक शानदार हम लोग को लग रहा है स्टॉक है, आपको आगे दिखाएंगे कि ज्यादा लोग जो है बंधन बैंक को लेके क्या बोलते हैं। हम लोगों ने वो भी एक बार देखा है कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं बंधन बैंक को लेके, और अभी देखेंगे कुछ दिन से जो बंधन बैंक ऐसे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत तेजी आया है। तो बंधन बैंक का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो है स्टॉक 320 रुपया भी गया था कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर से गिरावट आया, स्टॉक जो यहाँ पे देख सकते 300 के आसपास चला गया था।
यहाँ पे 5 डेज का अगर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग, 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस था 305 रुपया, उसके बाद स्टॉक में एक जो है मूवमेंट आया है अच्छा खासा, यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिला है जो कि 297 या 298 के आसपास था। अब देख सकते हैं फिर से जो है स्टॉक में तेजी आया, मतलब 300 या फिर 300 के नीचे स्टॉक जाता है तो इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 301 रुपये के आसपास भी स्टॉक ट्रेड हुआ है, उसमें बाद जो है फिर से इसमें एक मूवमेंट देखने को मिला है। वन डे का बात करते हैं, वन डे पहले भी आप देखेंगे तो स्टॉक में जो है क्या चल रहा था, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली स्टॉक जो है यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड दिया स्टॉक में एक अप ट्रेंड भी हम लोग को देखने को जरूर मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं तो एक दिन का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अभी एक दिन में जो इसने मुनाफा दिया है या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न दिया है 5.55 पैसे का जो है रिटर्न दिया एक दिन में, और परसेंटेज में बात करते हैं तो 1.81% का रिटर्न दिया है एक दिन में। लोगों ने बंधन बैंक का थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला और देखा कि रिसर्च करके कि कितने लोग कितने परसेंट लोग जो है बंधन बैंक को लेके बुलिश है, तो दोस्तों कम से कम 76% के ऊपर लोग जो है यही कह रहे हैं कि बंधन बैंक को अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए या फिर बंधन बैंक में अभी खरीदारी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ट्रेडेड वॉल्यूम जो NSE का है 7.8 मिलियन का जो यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। 7.8 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आगे का इन्फॉर्मेशन निकाल तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आया है। और हम लोग यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट का भी बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट जून का भी बात करते हैं जो कि 3404.8 करोड़ का है, एंड मार्च का बात करते हैं तो 3346.5 करोड़ का है, मतलब मार्च से ज़्यादा जो है क्वार्टर वॉल्यूम जो सॉरी माफ कीजिए क्वार्टर का जो रिजल्ट है जून में वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसके पहले भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया आप लोगों के साथ इसके बारे में, तो ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे कि रिजल्ट को लेके इसका बंधन बैंक का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता रहेगा इसके बारे में। तो इसका जो है अभी हम लोग जो रिसर्च किया उसके चलते या फिर हम लोग को जो लग रहा है बंधन बैंक को लेकर, अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो ये स्टॉक में तो आपको जो एक टारगेट प्राइस है वो करीबन 318 के आसपास रखना चाहिए। तो स्टॉक अगर आपको ये 310 से लेकर 311-12 तक भी मिलता है या फिर 310 से लेकर 312 तक भी मिलता है तो आपको जिसमें एक टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा वो करीबन 318 या फिर 319 तक आप एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, जो हो सकता है बहुत ही जल्दी आपको वो मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान देना है क्योंकि थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने जो ग्राफ में देखा है जितना भी बार स्टॉक 297 या फिर 298 के नीचे गया या फिर 298 या फिर 300 के नीचे गया स्टॉक, उसमें एक जो है हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो फिलहाल जो हम लोग को लग रहा है स्टॉक में जो है आपको एक जो है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो करीबन 301 या 2 रुपये तक आप रख के चल सकते हैं। फिलहाल अगर आप ये स्टॉक में कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्टॉक में जो आपको टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा 318 रुपये का, और इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 300 का। स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए और टारगेट प्राइस भी जो हम लोगों ने दिया सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, खुद से ज़रूर रिसर्च कर लीजिए क्योंकि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए रहता है। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको बंधन बैंक स्टॉक को लेकर आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।